नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं गर्भवती बहनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि एक वीडियो गर्भवती बहनों के लिए बनाएं कि उन्हें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने होते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, कौन से पूजा पाठ करने होते हैं, क्या क्या चीजें विशेष खानी होती हैं, क्या हम कैसे करें कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और अच्छा हो। ये देखिए, हर माँ की यही कामना होती है। तो आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी नई मम्मियां जो बन रही हैं या आप फर्स्ट बार बन चुकी हैं, सेकेंड बार, आपका बेबी बहुत ही स्वस्थ हो, सुंदर हो और दीर्घायु हो, और उसे आप अच्छे अच्छे संस्कार दें। आप उसे बैंक बैलेंस दें या ना दें, लेकिन संस्कार जरूर दें। इससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। तो ये आप कार्य करना प्रारंभ कर दें, और ये कार्य हमें गर्भ में जब हमारा बेबी आता है ना, तभी से हमें प्रारंभ करना चाहिए। हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। तभी से आपने सुना होगा कि जब भी हम पहले ही मंथ से हमें बहुत सारी सावधानियां रखने के हमारे बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं। अभी क्या है कि सभी बच्चे घर से बाहर अपने रोजगार, अपने जॉब के कारण घर से बाहर हो जाते हैं, और जिनके ऊपर बड़े बुजुर्गों का कोई भी कहने का अर्थ है कि उन्हें कोई सलाह देने वाला नहीं है, और जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां भी फेस करनी पड़ती हैं, और थोड़ी सी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है जिसके कारण मजबूरी में भी कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम कैसे अपने शिशु को अच्छा रखें, कैसे उन्हें अच्छा संस्कार, अच्छे खान पान और अच्छी लाइफस्टाइल हम अपने गर्भ से ही दें, यही हम छोटी सी वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पर आप इंट तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करें। और अभी अभी आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गर्भवती बहनों के बारे में। तो गर्भवती बहनों की स्थिति तो पहले ही नाजुक होती है, उनके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उनका मन और शरीर उतना स्वस्थ नहीं होता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़कर। देखिए, आपको जिसमें रुचि हो आप वो अच्छा काम करने की कोशिश करें। कहने का अर्थ है, आपको सुनने में अगर अच्छा लगता है तो आप अच्छे अच्छे भजन कीर्तन, आप अच्छे अच्छे स्पीचेस है वो सुनने की कोशिश करें। यदि आप पूजा पाठ कर पाते हैं तो पूजा पाठ करें। पूजा पाठ में भी बहुत सारी बहनों का कमेंट आया था कि क्या हम व्रत उपास रख सकते हैं कि नहीं, क्या हम किस देवी देवता की पूजा करें, कौन से मंत्रों का जप करें, हम क्या करें कि हमारा बच्चा अच्छा हो, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम क्या खाएं कि हमारा बेबी गोरा हो। तो दोस्तों देखिए, गोरा काला एक अलग बात है, ये बाद में भी सुधारा जा सकता है। और सबसे पहली बात तो ये जेनेटिक होता है, जैसे मम्मी पापा, नानी नाना, दादी दादा, इन चारों को देखा जाता है। सबसे ज्यादा नानी नाना और दादा दादी पे ही बच्चे जाते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, माँ पे गया है, पापा गया, बिल्कुल नहीं, वो अपने दादी और बाबा, नानी नाना पे ही जाता है। तो इसलिए जैसे वो होंगे, उनकी बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन उनपे आता है। ठीक है, तो काला गोरा हो या ना हो, हमारा बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो स्वास्थ्य उत्तम रहे इसके लिए हमें अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, यानी कि जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा हो, जो हमारे टेस्ट में अच्छा हो, वो तो एक अलग बात है, कभी कभी टेस्ट की चीजें खा लेनी चाहिए। लेकिन हमारे बेबी को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम एक साथ दो लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा गर्म चीजें आप बिल्कुल भी ना खाएं। तली भुनी मिर्च मसाले चीजें आप ना खाएं। डिब्बा बंद चीजें या फिर जो स्टोरेज वाली चीजें होती हैं वो बिल्कुल भी अवॉइड करें। जंक फूड, ये सभी चीजें हमारे बेबी को नुकसान तो पहुंचाएंगे ही। जब बच्चा बाहर रहेगा तो वही चीजें डिमांड करेगा खाने के लिए, इसलिए ये सभी चीजें से आप दूर रहें। और बिल्कुल अपने विचारों को सात्विक रखें, अच्छा रखें, जिससे हमारा जो बच्चा होगा वो भी अच्छे विचारों वाला होगा, और जब अच्छा विचार उसके अंदर आएगा तो वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, हमें कौन से पूजा पाठ व्रत उपास करना है। तो पूजा पाठ में जिस भी देवी देवता में, जिस भी धर्म के आप मानने वाले हैं, वो पूजा पाठ आप जरूर करें। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना से ही करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करते हुए। अब आप
भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं तो आप उनके करें। भगवान कृष्ण यानी कि शैव और वैष्णव दो संप्रदाय के लोग हैं तो आप कोई भी जिनमें आस्था हो उनको कर सकते हैं। हम बात करें भगवान शिव की पूजा का, तो कई लोगों का कमेंट आया था दोस्तों कि शिव की पूजा प्रेग्नेंट औरतें कर सकती हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकती हैं। हम भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी भगवान की ही बनाई हुई हैं, इसलिए किसी भी देवी देवता को पूजा पाठ करने के लिए किसी भी महिला को मनाई नहीं होती है। आप बिल्कुल अभिषेक कर सकते हैं और रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्ध अभिषेक करें। हाँ, जब अभिषेक किया जाता है तो जैसे हम पति पत्नी साथ में मिलके करते हैं तो उस समय गठबंधन नहीं किया जाता है। जब हमारे गर्भ में बेबी होता है, शिशु होता है, प्रेग्नेंट लेडी का गठबंधन नहीं किया जाता है, कारण कि अब पता नहीं बेबी बॉय है कि गर्ल है, और गठबंधन से वो दूसरा इफेक्ट आ जाता है, वो अलग चीज हो जाती है। तो इसलिए ये चीजें बस ध्यान में रखते हैं और आप कर सकते हैं। रही बात व्रत की कि बहुत सारे लोग, जैसे अभी संकष्ट चतुर्थी का व्रत था तो कई लोगों ने पूछा कि क्या हमें व्रत रखना चाहिए कि नहीं, हम प्रेग्नेंट हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं, आप अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट में बिल्कुल रहा करें, वो जैसा आपको कहते हैं बिल्कुल सेम आपको करना चाहिए। लेकिन आप व्रत यदि स्वस्थ हैं तो रख सकती हैं। जल, फल, ड्राई फ्रूट्स लेकर, अब जूस की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ठंडी है तो आपको कफ हो सकता है, इस वजह से जूस और फल अवॉइड करें। लेकिन जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो आप अपने डाइट में विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में लें, क्योंकि इस समय हमारे अंदर डबल चीजें चाहिए, एक प्रकार से आपके लिए डबल पावर। तो इसलिए सुबह सवेरे सूर्य भगवान को जल आपको जरूर देना है, इससे आपका तो ऑरा अच्छा होगा ही, आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी बहुत अच्छा संस्कार मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब पुस्तकों की बात हम करें तो आप भगवत गीता ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप कोई भी जो चालीसा होता है उसका पाठ कर सकते हैं। और इसके लिए कोई आप समय ना निर्धारित करें, आप जब भी लेटे बैठे हैं कहीं भी आप ले सक जप सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे आप निकाल सकते हैं, उसे आप पढ़ सकती हैं। इस तरह से आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु का बिल्कुल ख्याल रख सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों, बार बार हम कहते हैं जब बच्चा बाहर आ जाता है, इस दुनिया में आता है, तो हम उसे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन वो अपने अनुभव से जो वो गर्भ में सीखता है ना, उसी को डेवलप आगे करता चला जाता है, और हमारे सिखाने पर भी वो नहीं सीखता है। इसलिए आपको अपने गर्भ में पल रहे शिशु का बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए हमारी जो दादी नानी होती थी, हमें हर समय पर एहतियात देती रहती थी, डांटती रहती थी। हम लोगों को तो हमारी नानी सास तो बहुत ज्यादा डांटती थी कि ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं, बहुत ज्यादा। तो देखिए, आप वो अपने टाइम के हिसाब से कहती थी क्योंकि उन्हें डर था कि हम हमारे जो गर्भ में बच्चा है, बेबी है, वो उसे नुकसान ना पहुंचे। जैसे कहते हैं कि गंगा यमुना पार नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी कि उस पार माइका है तो नहीं जाने का, क्योंकि वो गले में वो बेबी के नाल फंस जाएगी, उनका ऐसा मानना था। और कहीं ना कहीं ये सभी चीजें सच होती हैं। हमें कहीं सुनसान एरिया में नहीं जाना है कि कोई आलतू फालतू की अला बला की चीजें हमारे पास ना आ जाए। बहुत ज्यादा परफ्यूम वगैरह नहीं लगाने देती थी कि बच्चे पे कोई निगेटिव जो है इफेक्ट ना पड़े। इस तरह की बहुत सारी हिदायतें दादी नानी देती थी और अभी भी देती हैं, लेकिन जब बच्चों को रहने का मौका मिलेगा तब ना देंगी। तो बच्चों की लाइफ स्टाइल इस तरह हो गई है कि उन्हें बाहर जाना ही है, उन्हें जॉब करना ही है। इन सब चीजों को करते हुए आप इस तरह से अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला के अपने बच्चों को आप अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आप स्वयं अच्छा बने। आप यदि अच्छे हैं तो आपका बच्चा स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान रखें और भगवान का ध्यान जरूर करें। देखिए, ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है, तो ईश्वर की शरण में हमें शरणागत होना ही होना है। तो बस हमें उम्मीद है कि आपको इस छोटी सी वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, और आगे भी वीडियो हम इस तरह के लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी और क्या क्या चीजें आप चाहते हैं इस जो है प्रेगनेंसी के समय, क्या क्या एहतियात और भी हम आपको खाने पीने की चीजें बता सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको अपनी प्रेगनेंसी वाली फोटो जरूर दिखाएंगे।
इस समय दोस्तों हम नहीं निकाल पाए क्योंकि वो अभी बहुत अंदर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।